जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि सभी जातकों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में सिर्फ मीन लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, सिर्फ उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, या यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो प्रथम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ला लिखा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये मासिक राशिफल जुलाई 2020 आपके लिए है। बाकी सभी लग्न के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ आपकी लग्न कुंडली का डिटेल एनालिसिस करता हूँ और ग्रहों की मूवमेंट के अनुसार, अर्थात ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको प्रेडिक्शन मैं करता हूं। देखिए, ये एनालिसिस मैं एक्सेल शीट पर करता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें मैं बहुत अधिक मेहनत करता हूं जिससे आपको आपकी कुंडली का डिटेल एनालिसिस प्राप्त होता है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूं जो लोग मुझे मेल करते हैं और मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, और आशा करता हूं कि आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं अपनी पूरी मेहनत से आपके लिए ये हर महीने का राशिफल एनालिसिस करता रहूंगा। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ही बहुत अधिक रिसर्च की है, तो मैं जब आपके स्वास्थ्य के बारे में अपने एनालिसिस में बताता हूं तो आप उसको सीरियसली लें, क्योंकि जान है तो जहान है। आप हेल्दी रहेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी आप और अधिक पैसा कमा पाएंगे। मैं अपने वीडियो के अंत में आपको जो उपाय बताता हूँ वो आपको आपकी वर्तमान स्थिति में जो समस्या आपकी चल रही है, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसको देखते हुए मैं बनाता हूँ जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। और ये लाभ आपको जीवन के हर पहलू में दिखेगा, चाहे वो आपके परिवार संबंधित हो, या आपके फाइनेंस या वित्त संबंधित हो, या आपके कैरियर संबंधित हो, या आपके हेल्थ से संबंधित हो। तो ये उपाय आप जरूर करें, और यदि आप इन उपायों को लंबे समय के लिए करते हैं तो आपको इसका दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा, अर्थात आपको लंबे समय तक इसका लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ तिथि बताऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट है जुलाई के महीने के हिसाब से। 1 जुलाई को देवश्यानी एकादशी है, 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, 5 जुलाई को ही चंद्र ग्रहण है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। 2 जुलाई और 18 जुलाई को प्रदोष व्रत है, 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है, और 23 जुलाई को हरियाली तीज है, 25 जुलाई को नागपंचमी है। तो ये थी कुछ तिथियाँ जुलाई के महीने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर और व्यवसाय संबंधी जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जो जातक सेल्स में है या कमीशन बेस्ड बिजनेस में है अथवा आपकी अपनी कंसल्टिंग एजेंसी है, तो 15 जुलाई के बाद आपका कार्य बढ़ता आपको दिखाई देगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो लोग एजुकेशन बिजनेस से जुड़े हैं उनको इस महीने थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए यहाँ दिखाई देंगे और आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हैं अथवा आप दाल चावल अनाज अथवा फार्मिंग कृषि से जुड़े हैं तो ये समय आपको लाभ पहुँचाएगा और आने वाले समय में आपका कार्य और अधिक आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और यदि आप इसमें भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, इसी बिजनेस में यदि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं तो आने वाला समय आपको और अधिक लाभ देगा। देखिए, जो लोग शेयर ट्रेडिंग में हैं उनको ये समय उतना पॉजिटिव रिजल्ट्स अर्थात सकारात्मक परिणाम नहीं देगा जितना आप सोच रहे हैं, तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। देखिए, 16 जुलाई तक आप अपने ऑफिस अर्थात कार्य स्थान पर सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है आप पर कोई झूठा आरोप लगा दे, इससे आपकी इमेज छवि खराब हो सकती है, तो इसका अपने विशेष ध्यान रखना है। तो ये था मीन लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना आपके करियर और व्यवसाय संबंधी कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य रिलेटेड यानी कि हेल्थ रिलेटेड आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, यदि आप इंटेस्टाइन से रिलेटेड अर्थात आंतों से रिलेटेड या ब्लड रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से में है, या आप कोई बीमारी है, अथवा आप लोअर इंटेस्टाइन से भी रिलेटेड किसी बीमारी से जुड़े हैं या आपको वह बीमारी है, तो ये समय आपको बहुत अधिक सावधानी बरतनी है, अन्यथा आने वाले समय में आपको इसके बहुत अधिक खराब परिणाम
देखने को मिल सकते हैं। देखिए इस वीडियो के अंत में जो उपाय सेक्शन है, मैं उसमें आपको उपाय के बारे में बताऊंगा जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था स्वास्थ्य रिलेटेड जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब फाइनेंस या वित्त संबंधी जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए 16 से 23 जुलाई के बीच आपको कहीं से पैसा मिलने की संभावना बनी हुई है। यदि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था और वहां से कोई रिटर्न नहीं मिल पा रहा था, और या आपने किसी को उधार पैसा दिया था और वो वापस नहीं लौटा पा रहा था, तो इन दिनों अर्थात 16 से 23 जुलाई के बीच आपको वो पैसा मिलने की संभावना यहाँ बनी हुई है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हो, चाहे वो आपने किसी को कर्जा दिया हो, तो ये समय आपको वो पैसा लौटाने में मदद आपको करेगा। देखिए आपकी सेविंग्स में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती आपको दिखाई देगी, और आपने यदि कोई लोन लिया है वो आप आसानी से यहाँ पर लौटा पाएंगे। 28 से 31 जुलाई तक आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, या आप किसी को उधार देना चाहते हैं तो उधार भी ना दें, आपको नुकसान हो सकता है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। तो ये था मीन लग्न के जातकों के लिए फाइनेंस या वित्त संबंधी जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आपके परिवार और फैमिली रिलेटेड जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए यदि आप अपने बर्थ प्लेस पर ही हैं, जहाँ पर आपका जन्म स्थान है, तो इन दिनों आपका घर में थोड़ा अशांति का माहौल बना रहेगा, आप थोड़ा स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे। और यदि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर हैं, अर्थात जहाँ पर आपका जन्म हुआ था आप वहाँ से दूर रह रहे हैं कहीं पे, तो ये स्ट्रेस की जो सिचुएशन है वो आपके घर में थोड़ा कम रहेगी, तो हो सकता है ना भी रहे। देखिए मंगल आपके लग्न स्थान में है और सप्तम को देख रहे हैं, तो आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी से बचें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को शांत मन से आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अन्यथा ये आपके टेम्परामेंट अर्थात स्वभाव की परीक्षा का समय है, ये आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। आपका ये समय आपके भाई बहनों के प्रति हेल्प करने की भावना आपकी जागृत होगी। देखिए यदि आपके छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े तनाव की स्थिति भी थी पास्ट में, तो ये समय उस तनाव की स्थिति को कम करेगा, और आपके भाई बहनों के साथ को रिश्ते जो हैं उन वो आपके सुधरते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये था आपके परिवार और फैमिली संबंधी जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी लव लाइफ रोमांस प्रेम के प्रति आपका जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए 16 से 18 और 25 से 27 जुलाई के बीच आपका कहीं लव अफेयर हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो जाए। देखिए यदि आप रिलेशनशिप में हैं और आप शादी की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समय उसके लिए पॉजिटिव नहीं है, अर्थात ये समय थोड़ा आपको नकारात्मक रिजल्ट देगा। हो सकता है आपको बहुत अधिक यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, और हो सकता है आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आप शादी ना कर पाए। तो वर्तमान जो समय है वो इसके लिए ठीक नहीं है, आप थोड़े समय के लिए इसको टाल दें, अर्थात आप थोड़े समय के बाद इसके लिए विचार करें। तो ये था मीन लग्न के जातकों के लिए आपके प्रेम और लव संबंधित जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो आइए अब चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जो जुलाई के महीने में मीन लग्न के जातकों को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, आपको राहु के बीज मंत्र का जाप रोज 108 बार करना है, जो है ओम रम ह्रीम रोम सैरावे नमः। आपने इस मंत्र का जाप जो है रोज 108 बार करना है। आपको 28 जुलाई को 7 किलो, आपने इस तिथि का ध्यान रखना है, आपने 28 जुलाई को 7 किलो मिक्स सात अनाज जो होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ ग्रीन्स जो होते हैं ना, सात अनाज कहते हैं जिसको, सात तरीके के अनाजों को लेना है आपने 7 किलो, और काले कलर का कपड़ा आपने लेना है, काले रंग के कपड़े को आपने लेना है, और 1 किलो शक्कर लेनी है, शुगर नहीं लेनी यहाँ पर, शक्कर आपने लेनी है। इन सब का दान आपने 28 जुलाई को सूर्यास्त के बाद किसी गौशाला में करना है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। 7 किलो मिक्स सतराजा लेना है आपने, और 1 काला कपड़ा लेना है, और 1 किलो शक्कर आपने लेनी है। देखिए आप अभी हर शनिवार भैरव जी के मंदिर जाएं और वहाँ बैठकर भी राहु के बीज मंत्र का जाप की माला आपने 5 बार करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनको 2 जुलाई और 18 जुलाई को प्रदोष व्रत करना है। उस दिन आप सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और शिव मंदिर जाएं, वहां बैठकर आपने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। आप इस दिन शिव चालीसा पढ़ें और छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह आदि में देखिए जो अड़चने हैं वो आपकी कम होती आपको दिखाई देंगी। देखिए ये थे वो उपाय
जो जुलाई के महीने में मीन लग्न के जातकों करने के लिए करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए जुलाई में शुभ दिन और अशुभ दिन कौन सा रहेगा। देखिए, यदि हम शुभ दिन की बात करें तो 22 जुलाई आपके लिए शुभ दिन है, और यदि हम अशुभ दिन की बात करें तो 30 जुलाई आपके लिए अशुभ दिन है। तो इस दिन यदि आप 30 जुलाई को कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं या आपको कोई प्लान है तो इस दिन उसको टाल दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था मीन लग्न के जातकों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।